वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको लेके आ गए हैं भैया की शादी में। आज है हल्दी फंक्शन और ये देखिए मेरी बुआ ने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई हुई है अपने हाथों में। चलिए आपको बुआ की मेहंदी दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल मेहंदी लग रही है बुआ के हाथों में। टू बी ऑनेस्ट यहाँ से व्यू इतना सुंदर लग रहा है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं चारों तरफ। हम आपको होटल के सेकंड फ्लोर पे लेके आ गए हैं और यहाँ पे हल्दी की जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। आज दो फंक्शन है, हल्दी और मेहंदी, पर दोनों की व्लॉग अलग अलग आएगी। तो ये रहा भैया की शादी का कार्ड। कार्ड काफ़ी वाइब्रेंट और एलिगेंट थीम सजेस्ट कर रहा है और इसमें सारे एलिमेंट्स, बॉर्डर पैटर्न और टेक्स्ट काफ़ी अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट करे गए हैं। काफ़ी अपीलिंग लुक दे रहा है। काफ़ी ठंड है और हम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी। चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर। और ये देखिए सब हो चुके हैं तैयार हल्दी फंक्शन के लिए। जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ की एक झलक दिखाते हैं आपको। रूम्स तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिए हैं। ये है यहाँ की गैलरी। यहाँ पे 3 फ्लोर हैं और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो यहाँ पे प्लांट्स और फोटोज़ भी लगाई गई हैं गैलरी में टू मेक इट एस्थेटिक। अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई, आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है। बस मैंने ये अपने नेल पेंट्स लगा रखे हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आज आपको हम भैया की हल्दी दिखाएंगे। हम सब रेडी हो चुके हैं और सब पीले पीले बने हुए हैं। थीम तो काफी अच्छी तरह फॉलो हो रहा है। सो ये देखिए दीदी काफ़ी प्रिटी लग रही हैं और बुआ का कंप्लीट लुक देखिए। बुआ ने पहाड़ी नथ पहनी हुई है और ऊपर मांग टिक्का और कानों में भी पहने हुए हैं और मामा भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पहले गणेश पूजा होगी, उसके बाद हल्दी लगाई जाएगी। तो पंडित जी आ चुके हैं और वो तैयारियां कर रहे हैं गणेश पूजा की। हमारी बड़ी बुआ का पहला काम है और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत समय के बाद कोई शादी है अपने बहुत क्लोज रिलेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है हम सबको। सार्थक के पोज देखो, कितने प्यारे प्यारे पोज कर रहा है ये। दोबारा से हम आपको सेकंड फ्लोर पे लेके आ गए हैं और यहाँ पे हल्दी फंक्शन का डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। जो गणेश जी होते हैं उनको विघ्न विनाशक बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर देते हैं, तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं और वेडिंग शूट और पूरा मतलब शूट हो रहा है सब चीज़ें। मैं तो बना ही रही हूँ व्लॉग। और ये देखिए सारे मेहमान भी आ चुके हैं और काफ़ी जो रूम है वो भरा भरा लग रहा है अब। तो ये देखिए सारे मेहमान आ चुके हैं। मम्मी और चाची भी काफ़ी अच्छी तरह तैयार हुए हैं। आपको एक लुक दिखाती हूँ, ये देखिए चाची और ये रही मम्मी। और ये देखिए यहाँ पे पूजा चल रही है और बुआ और मामा सारे रिचुअल्स कर रहे हैं। पेरेंट्स करते हैं सबसे पहले रिचुअल्स। गणेश पूजा में नारियल भी चढ़ाया जाता है। नारियल को जब पटक के तोड़ते हैं यानी आपका अहंकार चूर चूर हो गया, ये उसका प्रतीक होता है। और गणेश जी के जो पिताजी होते हैं यानी भगवान शिव, उनका आशीर्वाद पाने के लिए भी नारियल चढ़ाया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दुर्वा घास भी चढ़ाई जा रही है गणेश जी को। ये जो दुर्वा घास होती है ये समृद्धि और धन का प्रतीक होता है, इसलिए गणेश जी को चढ़ाया जाता है और ये बहुत विशेष मानी जाती है। इसमें ये जो पंडित जी पानी लोटे में डाल रहे हैं इसी से भैया को सब नहलाएंगे। इसमें दुर्वा घास डालते हैं और फिर उसी से नहलाते हैं और सब जो भी बलाएँ हैं दूल्हे की वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं सब लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें घास डालेंगे, तो दुर्वा घास को मूली से बांधा जा रहा है और उसको लोटे में डाला जा रहा है और इसके बाद इसमें चंदन और जो सिंदूर होता है उसका तिलक कर देंगे। जिस पीले कपड़े में नारियल और दुर्वा घास रखे थे उसमें पूरी और उड़द दाल के बड़े भी रखे गए हैं। तो पूरी परात कुछ इस तरह से दिख रही है। अब वो जो पोटली है उसे पिछौड़ी में ऊपर से रख देंगे। सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। छोटे भैया को भी स्नान करवाएंगे क्योंकि वो छोटे दूल्हे बने हुए हैं। बड़े भैया को भी स्नान करवा दिया है हमने। अब जो परात में पानी है उसे गमलों में डाल देंगे।
थोड़े बहुत मेहमान आ चुके हैं और बाकी शाम तक मेहंदी फंक्शन के लिए पहुंच जाएंगे। तो अब भैया को हल्दी लगाएंगे। ये जो हल्दी है ये घर पे बनी हुई हल्दी है और फिर यही हल्दी भाभी के लिए भी भेजेंगे। हमारी छोटी बुआ भी आ चुकी हैं, तो चलिए ऊपर लेके चलते हैं बुआ को। तो आज दोनों बुआएं एक दूसरे से बहुत समय बाद मिल रही हैं, तो इसलिए काफ़ी इमोशनल हो गए हैं दोनों। यहाँ पे मम्मी पापा और चाचू चाची फोटोशूट करवा रहे हैं, तो काफ़ी क्यूट कपल्स लग रहे हैं दोनों। तो अब भैया को हल्दी लगाने की बारी आ चुकी है और सबसे पहले मामा और बुआ हल्दी लगाएंगे। तो ये देखिए थाली तैयार कर रखी है, हमने थाली परचेज करी थी चांदनी चौक से। आपने व्लॉग नहीं देखी है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले मामा ने हल्दी लगाई, अब बुआ लगा रही हैं हल्दी। ये हमारे भैया की अम्मा हैं, अम्मा यानी दादी होता है, और साइड में उनकी बुआ हैं। अब जो भैया के कज़न हैं मामा की साइड से, वो भैया को हल्दी लगाएंगे और ऐसे ऐसे करके सब हल्दी लगाएंगे भैया को। फंक्शन तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम, सब डांस कर रहे हैं हम। आपको कॉपीराइट की वजह से वो सॉन्ग्स नहीं सुना सकते जो बैकग्राउंड में प्ले हो रहे हैं। भैया को हल्दी लगाने के बाद फिर अलग से कुछ और फोटो शूट्स भी हुए थे। उसके बाद हमने खाया टेस्टी टेस्टी खाना। तो ये देखिए बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं खाने को, यम्मी। सब खाना भी खा रहे थे और छोटे भैया को भी हल्दी लग रही थी साथ साथ ही। उसके बाद हमने करा कुछ डांस, अब आपको डांस दिखाते हैं। मोबाइल जाचा बजारा, क्यूटी बॉज का नखरा हजारा, वो कुटी बैज भी गले में हारा, हमेली का भुना लस्का कमारा। वहाँ का मोबाइल जाचा बजारा, क्यूटी बॉज का नखरा हजारा। जब तक हम इंजॉय कर रहे थे नीचे ऊपर हवन चल रहा था। इसके बाद हवन ख़त्म होने के बाद हमें खाने के लिए मिले टेस्टी टेस्टी बूंदी के लड्डू और उसके बाद हुई सवाल पथाई। इन मीन वाइल मैं सभी को वीडियो में कवर कर रही हूँ। हो सकता है कि वीडियो में सारे लोग कवर नहीं हो पाए हों, बस यहाँ पे सारे लोगों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं सभी कितना खुश हैं और सभी ने बहुत मज़े करे हैं। सवाल पथाई में जो गेहूँ का आटा होता है उसे लेकर ऐसे पापड़ बनाते हैं, ऊपर से तिल डालते हैं और फिर इन्हें सुखाते हैं धूप में। सो मौसम भी काफ़ी सुहावना हो चुका है आज और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश आएगी। ठंड भी है, हल्की हल्की धूप भी है, काफ़ी मज़े आ रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे चाय पी रहे हैं बैठ के। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी और उसे देखना मिस बिल्कुल मत करिएगा।